सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता के एक घंटे में थक जाता है। डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वो उस डाली पर बैठता है क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खोना। आज का पंचांग 22 जनवरी 2023 दिन रविवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 10:27 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 3:21 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:31 से 5:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर ही रहेंगे। कन्या राशि 22 जनवरी 2023 दिन रविवार, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद अब आप खाली समय के अधिकारी हैं। मजा करें किंतु खास पैसों को लेकर सावधान रहें। घर की मरम्मत और नवीकरण पर भी सोच समझ कर धन खर्च करें। अपने पति या साथी के लिए समय निकालें। परिवार के साथ अपनी रचनात्मकता साझा करें। निरस्ता से प्यार की ओर जाने के लिए आज का दिन शुभ है। जीवन के सभी क्षेत्रों से मिला संतोष आपको आनंदित रखेगा। आज जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास करें। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। आज के दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय आप अपने घर का नवीनीकरण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी आज सोच सकते हैं। हालांकि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप दिन का हर एक पल आनंद लेंगे। मौज मस्ती और मन पसंद काम करने का दिन है। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक ना करें। लाभदायक दिन है, इसीलिए कोशिश करें और आगे बढ़ें। अच्छे मौके आपके इंतजार कर रहे हैं। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। घर में सुधार संबंधित योजना बन रही है तो उसे वास्तु के अनुसार कराएं तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपका आत्मविश्वास और जोश आपकी कई समस्याओं का हल निकालने में सहायक रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में उचित ध्यान बना रहेगा। अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। लोगों से प्राप्त हो रही विरोध को ठीक से समझते हुए सही फैसला करें। परिवार से प्राप्त होने वाला साथ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए भविष्य से जुड़ी योजना बनाते समय उनके विचारों को भी महत्व देने की कोशिश करें। काम की जगह किसी व्यक्ति को मदद करते समय अपने काम को नजरअंदाज ना करें, इस बात का ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप में धीरे धीरे बदलाव नजर आएगा। गलत खान पान की वजह से दिन के अंत में सेहत संबंधित दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखें। आज आप अपनी योग्यता से स्थितियों को सुधारने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले पर ध्यान दें। बाहरी लोगों और मित्रों की सलाह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए उनकी बातों पर भरोसा ना करें और अपने फैसले खुद रखें। कार्यों के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यापार में जोखिम वाली स्थितियों से बचें। वर्तमान वातावरण के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सावधानियां, पारिवारिक मामलों में विचारों में संकीर्णता आने से घर के लोगों को परेशानी हो सकती है, इसके लिए अपने स्वभाव को संयमित रखना अति आवश्यक है। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान करेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। मनोरंजन, आनंद और अपना प्यार तीन ऐसी चीजें हैं
जिन्हें आप अभी मिस कर रहे हैं। अपने साथी को यह एहसास कराना ना भूले कि आपके लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, प्यार के खेल में बुद्धिमत्ता और कल्पना से हर सपना पूरा किया जा सकता है। जैसे जैसे आप प्रेम की दुनिया में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप खुश और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। आप अपने जीवन से भी संतुष्ट और प्रसन्न हैं। ये समय यौन जरूरतें आपकी प्राथमिकता है, किंतु जो लोग सच्चे प्यार में हैं, उनके लिए यह केवल अपने प्यार को दर्शाने का एक तरीका है। आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आगे दूरी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफी साथ दिया है, लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाए हैं। केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में ना लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने खुद में कितना सुधार कर लिया है। बात करते हैं करियर की। आज इस बात के जबरदस्त संकेत हैं कि आप अपनी कार्य क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं, या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज को शौकिया तौर पर लेते थे, वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहाँ तक कि आप अपनी नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही जोखिम काम लगे, पर इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले हैं। इस बीच में समय लग सकता है, पर धन की दृष्टि से ये काफी उत्साहजनक है। रचनात्मकता आपके लिए वरदान की तरह है, जो हर कार्य में आपको शिखर तक ले जाएगी। इस समय आपके दिमाग में कोई खुफिया विचार चल रहे हैं, जिन पर जल्द ही आप अमल करेंगे। राजनीति के खेल या कूटनीति के प्रयोग से अभी बचें, क्योंकि आज यह आपके कोई काम नहीं आने वाले। आज आप उदासीनता को छोड़कर प्यार के सागर में गोते खाने वाले हैं। अपनी मानसिकता को बदलें और इस जीवन का आनंद लें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ अलग करें। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उन कामों को करने में है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकते। व्यवसायिक स्थल पर आज किसी भी तरह का रिस्क लेने से पहले उचित सोच विचार कर लें, और अपनी कार्यों तथा योजनाओं को किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि दूसरों का हस्तक्षेप आपके कार्य में रुकावट डाल सकता है। ऑफिशियल कार्यों को समय पर निपटाने का प्रयास करें। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा तला भुना खाने की वजह से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। अच्छा, आपको अपने किसी करीबी या बिल्कुल अजनबी से कोई स्वास्थ्य संबंधित बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। अगर आप इस सलाह पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज के दिन आराम करने और कई दिन के इकट्ठे हो चुके तनाव से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको इस समय का उपयोग अपने मन को शांति देने वाले ध्यान में भी करना चाहिए, जिसके आपको बहुत जरूरत है। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप घर के सभी सदस्य के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।